सर्दी के मौसम में लोगों को अपने खान पान में काफी बदलाव करना पड़ता है, जिसके कारण किसी भी गंभीर बीमारी की चपेट में ना आए, क्योंकि इस मौसम में शुष्क हवा चलती है, जिसके कारण मौसम में नमी बनी रहती है और आप इन्फेक्शन के शिकार जल्दी हो जाते हैं। लेकिन आप इस मौसम में अधिक तली हुई चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और आपके पेट के आसपास चर्बी जमा होना भी शुरू हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग वजन बढ़ने के कारण कम खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी सेहत पर बेहद ही नकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आपको सर्दियों के मौसम में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही बाहर के ठंड वाले मौसम से बचने के लिए आपको हमेशा गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए। लेकिन आपको इस बात से रूबरू करवा दें कि अगर आप सर्दियों के मौसम में हरी साग सब्जियों का सेवन करते हैं तो इससे आपको भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है, साथ ही आप किसी भी इन्फेक्शन से बचे रहते हैं, क्योंकि हरी साग सब्जियों में फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड के तत्व मौजूद होते हैं, जिसका सेवन आपको कई बीमारियों से बचाए रहता है। अगर आप इन सर्दियों के मौसम में गाजर का सेवन करते हैं तो इससे आपकी आंखें काफ़ी सेहतमंद और हेल्थी बनी रहती हैं। लेकिन आपको इस मौसम में कभी भी तली और भुनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से आपके पाचन तंत्र पर बेहद ही नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही आपका पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता, तो बेहतर होगा आप सर्दियों के मौसम में ऑयली चीज़ों से हमेशा बचे रहें। क्यूरन हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।